हमारे वेदों और शास्त्रों के मंत्रोच्चारण द्वारा जो है इसकी पूजा हुई थी, और ये हमारे भारतीय सैनिक के एक हिस्सा हैं, इनको दिल से सल्यूट है। करे हर मैदान तो ये एंट्री का गेट है, मैं अंदर चल रहा हूँ और मैं पहुंच चुका हूँ कारशाला, और कारशाले का व्यू आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं कारशाला में, और कारशाला में मुझे यहां पर भी पत्थर रखे गए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से पैक हुए हैं ये पत्थर, जो है बाहर से आए हुए हैं और इस तरीके से यहां पर रखे हैं, आप इसका व्यू देख सकते हैं। गाइस, मैं खड़ा हूं कारशाला में, और कारशाला का पीछे का व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे ही मैं अपने फ़ोन को रोटेट कर रहा हूँ तो ये सामने मुझे जो है ये शालिग्राम पत्थर देखने को मिल जाएगा, जो कि नेपाल से आया हुआ है। आपने न्यूज वगैरह में तो बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि आज तक उतना कोई वीडियो नहीं वायरल हुई है। तो आप पीछे देख सकते हो इस तरीके का भी देखने को मिल रहा है, और यही जो है ये शालिग्राम पत्थर भगवान रामचंद्र और माता सीता की मूर्ति बनेगी, और बहुत ही सुंदर बनेगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय है। और यहाँ पर भव्य पूजा हुई थी, भव्य यज्ञ हुआ था, और बहुत ही अच्छा जो है धार्मिक स्टेप बाय स्टेप इसकी पूजा हुई थी, जो कि हमारे वेदों और शास्त्रों के मंत्रोच्चारण द्वारा जो है इसकी पूजा हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय थी। तो आज मैं इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि तब मैं यूट्यूब फैमिली से जुड़ा नहीं था, नहीं तो मैं भी इसका वीडियो स्टार्टिंग में बना। अभी भी जल्दी यूट्यूब फैमिली खोला हूँ अपना, तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं शालिग्राम पत्थर के साइड घूम रहा हूँ, और साइड का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय है। और इस तरीके से मैं इसको टच करता हूँ, क्योंकि इसको टच करना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसी पत्थर के द्वारा भगवान रामचंद्र और माता सीता का जो है मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाया जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं इसको टच कर लेता हूँ, और ये इसको इस तरीके से मैं टच कर रहा हूँ, इसका आशीर्वाद ले रहा हूँ, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और एक बार प्यार से जो है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से ये पत्थर रखे गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में लग रहे हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि नेपाल से आए हैं। तो ये बड़ा पत्थर है आप देख रहे हो, और ये जो है ये साइड में रखा गया है, जो छोटा पत्थर आया था। तो दो पत्थर आए थे, दो यहाँ पर रखे गए हैं, अभी और पत्थर आएंगे, जिसे थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरीके का व्यू आप देख सकते हो, हमारे आसपास का व्यू, और इसके बगल दो पत्थर और रखे गए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये भी बाहर से आए हुए हैं, और ये भी जो है बहुत ही दर्शनीय है, बहुत ही पूजनीय है। इसी से जो है मंदिर का निर्माण होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हर्ष की बात है, बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि हमारे भगवान रामचंद्र की मूर्ति जो है जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी, और हमको दर्शन करने को मिलेगा भगवान रामचंद्र का, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कारशाला का पूरा मैदान है, और मैदान में आप वहाँ भी देख सकते हो कि पत्थर की छटाई चल रही है, पत्थर को नकाशे जा रहे हैं, उस पर डिज़ाइन बनाई जा रही है। तो ये पूरा का पूरा व्यू आप देख सकते हो इस कारशाला का, जहाँ पर जो है ये शालिग्राम पत्थर रखा गया है, और यहाँ पर जो है पर्यटक भी आते हैं इसके दर्शन करने के लिए। चारों तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर फोटोग्राफी भी चल रही है, लोग कैमरे से कैप्चर करते हैं फ़ोटो, इस तरीके से आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि पत्थर रखे गए हैं ज़मीन पर जो है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैकेज है, ये भी सब बाहर से आए हुए हैं, जो कि राम मंदिर जब बनेगा तो उसमें जो है ये अपना अपना सहयोग देंगे। मैं अपने फ़ोन को और थोड़ा उठाता हूँ, उठाने के बाद चारों तरफ का भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर। और ऊपर से आप इस पत्थर का दर्शन कर लीजिए इस तरीके से, सिला ये दोनों आया है ना, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला है, ये सब पहले से था यार। हाँ, तो इस तरीके से गाइस आप दर्शन कर सकते हो और हमारे ब्लॉग में जुड़ सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से आप। तो मैं यहाँ से प्रसाद ले लेता हूँ, यहाँ पर प्रसाद वितरण का भी काम होता है, इस तरीके से देख सकते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो उनको प्रसाद भी दिया जा सकता है, इसको रामदाना बोलते हैं, और इसका आशीर्वाद ले सकते हो आप भी घर बैठे बैठे। देखिए, हमारे ब्लॉग में जुड़ चुके हैं भाई लोग, जो कि बहुत दूर से चलकर आए हुए हैं, लोग राजस्थान के जयपुर क्षेत्र से हैं, जहाँ पर अजमेर वगैरह हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। आई एम राइट भैया, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले बोलिए सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या धाम की। देख सकते हो कि पूरे जोश से भरे हुए हमारे भाई लोग,
और इनका भी बहुत ज्यादा प्यार इस ब्लॉग में है। और जो है मिलिट्री में है। कौन ये भाई? छुट्टी पर दर्शन करने तो देखिए, ये जो है हमारे जो है सैनिक में जो है निवृत्त हैं और सेवा करते हैं हमारे भारत देश का, इनसे मिल सकते हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं दिल से। और ये हमारे भारतीय सैनिक के एक हिस्सा हैं, इनको दिल से सल्यूट है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है आने के बाद? बहुत ही आनंद आ रहा है। पहली बार आए कि आप आते रहते हैं यहाँ पर? लोग यही रहते हैं, ये तीन बार है। अच्छा है, तो ये लोग जो है यहीं पर रहते हैं, और इनसे भी मिलिए, हमारे बड़े भाई साहब हैं, और ये लोग जो है बाहर से आए हुए हैं, और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, शालिग्राम पत्थर को देखने के बाद। तो ठीक है, आप लोग को दिल से सल्यूट है।